जो रोऊं तो बल घटे, हंसूं तो राम रिसाए, मन ही माहे बिसूरना, ज्यों घुन काट ही खाए। जो रोऊं तो बल घटे, हंसूं तो राम रिसाए, रोने और हंसने से अर्थ क्या है, समझेंगे थोड़ा। एक ही बल है, राम का बल, आत्मबल, परम का बल, पूर्ण का बल, स्रोत का बल। मन जब रो रहा है तब मन कह रहा है कि वो परम है ही नहीं, ये मन की धारणा है। मन जब रो रहा है तब मन की धारणा है कि वो परम है ही नहीं, अन्यथा रो कैसे सकता था। एक रोता हुआ मन बड़ा नास्तिक होता है। रोने का अर्थ ही है कुछ कम हो गया, कुछ खो गया। और जिसके पास वो पूर्ण है, वो परम है, वो कैसे कह देगा कि कुछ खो गया, कुछ कमी आ गई, नुकसान हो गया। रोने का अर्थ ही यही है कि तुमने इधर उधर की चीज़ों को बहुत महत्वपूर्ण मान रखा था, अब जब वो खो गई हैं तो तुम रोए पड़े हो। जो असली है वो तो खो सकता नहीं, तो इस कारण जो असली के साथ रहेगा उसको कभी रोने की स्थिति आएगी ही नहीं। जो रोऊं तो बल घटे, रोने का अर्थ ही यही है कि जो असली बल था तुम उससे दूर हो गए हो, वरना रोते कैसे। ध्यान दीजिएगा, रोने वाले मन की क्या धारणा है, परम है ही नहीं। अब आते हैं हंसते वाले मन पे। हंसने वाले मन की दूसरी धारणा है, हंसने वाले मन की धारणा है परम कोई वस्तु है। हंसने वाले मन की धारणा है परम कोई वस्तु है जो मुझसे बाहर है और जिसे प्राप्त किया जा सकता है, और मैंने उसे प्राप्त कर लिया और अब मैं हंस रहा हूं। घूम फिर करके बात ये वही कह रहा है जो रोता हुआ मन कह रहा है, पर कहने में अभी भी अंतर है। हंसता हुआ मन कह रहा है परम को पा लिया है। परम क्या है? परम किसी का जिस्म परम है, बाजार में बिकता सामान परम है, समाज से मिली इज्जत परम है, अपने लक्ष्यों को पा लेना परम है, रुपया परम है, और मैंने इसको पा लिया। और पा लिया तो बड़ी हंसी आ रही है, बड़ा अद्भुत सा लग रहा है। रोने वाला मन कह रहा है परम है ही नहीं, हंसने वाला मन कह रहा है वस्तु ही कोई परम है, और दोनों को सिर्फ भ्रम है। जो रोऊं तो बल घटे, बल का घटना लाजिमी है। क्योंकि सब कुछ तुम्हारी धारणाओं पर ही तो है, वो तो सदा ही उपलब्ध है, तुम उसको धारण करते हो कि नहीं ये तुम पर है। तुमने यदि धारणा ही बना रखी है कि सत्य ऐसा कुछ होता ही नहीं, मात्र संसार ही सब कुछ है, तो कहाँ से पाओगे बल। अब अगर जिंदगी डरी डरी और कमजोर बीते तो इसमें ताज्जुब क्या है। रोते रहोगे, शिकायतें करते रहोगे, ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि जो भी ताकत होती है वो तुम्हारी तो होती नहीं है, वो तो उसी की होती है, और उसकी ताकत तुम्हें उपलब्ध होगी ही नहीं जब तुम कह दोगे कि वही नहीं है। वही है ताकत का स्रोत और तुमने उसके ही होने से इनकार कर दिया, तो अब तुम बलहीन ही तो रहोगे ना। जो रोऊं तो बल घटे,
तुम रोए नहीं कि तुम नास्तिक हो गए। और कहां नास्तिक के पास बल आएगा? हंसूं तो राम रिसाए। किस खुशी में हंसते हो? इसी खुशी में हंसते हो ना, कुछ मिल गया। कुछ मिल गया कहने का अर्थ ही यही है कि वो पहले से ही मिला हुआ नहीं था। ये भी घोर नास्तिकता है। रोना जितनी बड़ी बेहूदगी है, हंसना उतना ही बड़ा पागलपन। क्योंकि तो हंसने का अर्थ ही है कि मन को उसकी इच्छित वस्तु मिली, इस तभी तो हंसता है मन। मन ने कुछ वस्तुओं को ही परम का पर्याय मान लिया, पर्याय ही नहीं विकल्प मान लिया। भूल में मत रहिएगा, ये पहले भी कहा है, दोहरा रहा हूं, हंसने में कोई बड़ी बात नहीं है। हंसना कुछ विशेष नहीं है, उसमें कोई गुणवत्ता नहीं है। जिन्होंने जाना है उन्होंने साफ साफ देखा है कि एक ही द्वैत के दो सिरे हैं, रोना और हंसना। पर चूंकि हम प्लेजर सीकिंग लोग हैं, इसीलिए हमने हंसने को बड़ी उपाधि मान रखा है। और हम बार बार कहते हैं सदा हंसते रहो। कोई रो रहा होगा तो हम उससे पूछेंगे क्या हो गया, क्या बीमारी है। और अगर कोई अकारण ही व्यर्थ ही हंसता रहता हो तो हम उससे पूछते ही नहीं कि क्या बीमारी है, क्यों हंसे जा रहे हो। हंसना उतनी ही बड़ी बीमारी है जितना बड़ा रोना। जो रोऊं तो बल घटे, हंसूं तो राम रिसाए। जितना हंसोगे राम उतना दूर होगा तुमसे। हंसी को, लाफ्टर को बड़ा मूल्यवान मत मान लीजिएगा। जब मैं कह रहा हूं हंसी में मूल्य नहीं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि रोइए। ना हंसना है ना रोना है, शांत होना है। हंसी भी एक तनाव है, ठीक उतना ही बड़ा तनाव जितना बड़ा रोना। हंसी उतनी ही बड़ी बीमारी है जितना बड़ा रोना। हर द्वैत के साथ यही है। उसके एक सिरे पे बल घटेगा और दूसरे सिरे पे राम रिसाएगा। और जो इन दो सिरों के बीच में फंसा है उसकी वही स्थिति रहेगी कि जियो घुन काट ही खाए। बाहर बाहर से वो हो सकता है कि साबुत दिखाई दे, पर उसका दिल छलनी हो चुका होगा, जैसे कि काट जिसे घुन लग गया हो। कभी घुन खाई लकड़ी देखी है? बाहर बाहर से ऐसा लगेगा ठीक है, पर ज्यों ही उस पर ज़रा जोर पड़ेगा, ज्यों ही स्थितियां उसकी ज़रा परीक्षा लेंगी, वो चरमरा के टूट पड़ती है। उसमें कोई दम नहीं होता, उसकी अपनी कोई ताकत नहीं होती। जो लोग सिर्फ सतह देख पाते हैं, जो लोग सिर्फ स्थूल को देख पाते हैं, वो तो घुन खाई लकड़ी को भी स्वस्थ ही समझेंगे। वो तो यही कहेंगे सब ठीक है, नॉर्मल है, बढ़िया तो है, चिकना चेहरा है, दो आंखें हैं, एक नाक है, एक होंठ है, क्या दिक्कत है। उन्हें ये दिखाई ही नहीं देगा कि इसके दिल में सुराख ही सुराख है, जैसे घुन खाई लकड़ी। यही हालत तो है हम सबकी, घुन खाई लकड़ी, छेद ही छेद है, छेद ही छेद है, हिस्से ही हिस्से हैं। और घुन लगा हुआ है और वो खाए जा रहा है, चाटे जा रहा है। और बड़ा चालाक घुन है, अंदर अंदर चाटता है। बाहर से कुछ पता ही नहीं चलता। चेहरे पर एक मुहासा हो जाए तो दिखाई तो देता है,
यहां तो मन टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है, पर दिखाई नहीं देता। बीमारी आंखों से प्रकट नहीं होती। एक ही इलाज है, न इधर के रहो न उधर के रहो। इसी द्वैत से उठ जाने को बुद्ध ने मध्यम मार्ग कहा है। मध्यम मार्ग का मतलब ये नहीं है कि इसके और उसके बीच में आके बैठ गए। मध्यम मार्ग का अर्थ यही है कि न हंसना है न रोना है। पागल मत बन जाइएगा कि बुद्ध कह रहे हैं कि इनके बीच की किसी हालत में रहना है। मध्यम मार्ग है भाई, या थोड़े समय के लिए हंसना है, थोड़े समय के लिए रोना है। मध्यम मार्ग का अर्थ है द्वैत के न इस सिरे पे है न उस सिरे पे है, न इस ध्रुव पे है न उस ध्रुव पे है, हम किसी और आयाम में हैं। हम उस तल पर हैं ही नहीं जिस तल पर हंसा जाता है या रोया जाता है, हम किसी और तल पे पहुंच गए हैं। न खोने का अफसोस मनाइए न पाने का जश्न, क्योंकि न कुछ खोने के लिए है न कुछ पाने के लिए है। खोने का अफसोस भी पागलपन है और पाने का जश्न भी बेहूदगी। और आदमी का जीवन इन्हीं दो चीजों में बीतता है। सारी कोशिश ही यही है, या तो कुछ खो न जाए या फिर कुछ पा लूं। दो ही तो चेष्टाएं होती हैं हमारी, दुख से बचो सुख से पाओ, दुख से बचो सुख को पाओ। इन दो के अलावा हमारी कोई तीसरी चेष्टा नहीं होती है। और ये दोनों ही चेष्टाएं मन की इसी धारणा से निकलती हैं कि वो परम या तो है नहीं या वो कोई वस्तु है जिसे मैं हासिल कर सकता हूं।